आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान का 23वां भाग लेकर आ रहे हैं। यह आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस ऐप पर जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें, इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पे किया गया था? तो यह है कैबिनेट मिशन योजना। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना, जब क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है 1942 में, कभी कभी ये पूछा गया कि क्रिप्स मिशन कब आया था, तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। इसको फेल होने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया, तो इसके बाद अंग्रेजों को अब लग गया था कि यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली है, तब उन्होंने लोगों ने कैबिनेट मिशन को भेजा। और कैबिनेट मिशन को यहाँ पे भेजने के बाद, कैबिनेट मिशन में ये अप्रूवल थी कि भारत को आज़ाद किया जाएगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग अपना संविधान बना लीजिए। संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की ज़रूरत थी, तो इस तरह यह संविधान बनाने का काम कैबिनेट मिशन की योजना पे शुरू हुआ। अगला है कि संविधान का फैसला कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो यह है अनुच्छेद 15। अभी एक मूवी आई थी आर्टिकल 15, अगर आपने देखा हो तो उसमें यह है कि आप किसी के जाति के आधार पर उससे कोई भेदभाव नहीं करेंगे, यही है आर्टिकल 15 में। अगला है कि संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो इसके लिए आप किसी भी सदन में इसको पेश कर सकते हैं। जैसे कि संसद में क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और इसके साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे किसी भी संशोधन को, या संवैधानिक हो या फिर किसी तरह का हो, या तो आप लोकसभा में लाइए या फिर राज्यसभा में। अगर इसमें पहले लाते हैं तो राज्यसभा में ले जाना होगा, इसमें पहले लाएंगे तो बाद में इसमें लेना होगा। तो इस तरह किसी भी सदन में आप इसे पेश कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन। कार्यकारी राष्ट्रपति का मतलब ये होता है कि मतलब कि कुछ समय के लिए, जिसको हम अंतरिम बोलते हैं। अगला है कि राज्यों की भाषाई के आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये था 1956। देखिए, यहाँ पे एक लंबी कहानी है और आपको अगर इसको एक कहानी की तरह पढ़ेंगे तभी आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। सबसे पहले जब भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में, तो हमारा भारत ज़्यादा उतने भागों में बटा नहीं था। यहाँ पे बड़े बड़े स्टेट थे, जैसे कि गुजरात नहीं था, केवल महाराष्ट्र था, असम बाद में बना, सिक्किम बाद में बना, गोवा तो था ही नहीं, इस तरह बड़े बड़े स्टेट थे। तो वहाँ पे जब आज़ाद हो जाता है तो लोगों की मांग उठने लगी कि यहाँ पे हमको इतना बांट के दे दीजिए, इतना इसको एक राज्य बनाइए। तो इसके लिए जो उस समय के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक मिशन, मतलब कि एक मीटिंग कराया और एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का जब रिपोर्ट आया तो कमेटी ने कहा कि जो भाषा के आधार पर मांग हो रही है, जैसे कि जो मराठी लोग थे ये महाराष्ट्र की मांग कर रहे थे, आंध्र प्रदेश वाले जो तेलुगु लोग थे वो आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे, इस तरह कई स्टेटों की मांग हो रही थी, नागालैंड में नागा लोग मांग कर रहे थे। तो इस मांग को जानने के लिए कि कितना अच्छा है या कितना बुरा है, इसका क्या असर पड़ेगा, तो इसको जानने के लिए जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने अपने रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पे कोई भी राज्य को मत बांटिए, राज्य को मत बांटिए, क्योंकि ये खतरनाक होगा बाद में। तो जो प्रधानमंत्री थे उस समय के, उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर कोई भी राज्य नहीं बनेगा। उस समय एक व्यक्ति थे, नाम था राम मल्लो, एक नेता टाइप के व्यक्ति थे, और इन्होंने इसके खिलाफ अनशन शुरू कर दी। इन्होंने आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे ये लोग, इन्होंने अनशन शुरू कर दी और इन्होंने 56 दिनों तक बिना खाना खाए पिए ये अनशन अपना जारी रखे, और 56वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। जब 56वें दिन इनकी मृत्यु हो गई तो ये जो अनशन था अभी नॉर्मल हो रहा था, सत्याग्रह था, लेकिन अब ये उग्र रूप पकड़ने लगा। अब एक नेता की मृत्यु हो गई है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि उग्र होना है। तो इस तरह के उग्र होते हुए कंडीशन को देख करके जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, 1953 में ही इसकी घोषणा कर दी कि आंध्र प्रदेश बनेगा एक स्टेट, लेकिन ये कहा गया था कि एक एक भाषा वालों का नहीं होगा, लेकिन एक स्टेट बनेगा, ये बात कह दी गई थी। तो ये फाइनली बन गया 1956 में, लेकिन इसकी घोषणा बहुत पहले 1953 में ही हो गई थी।
आप देखेंगे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला स्टेट कौन सा है, तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और अगर आप इस समय देखेंगे तो 2014 में इसी आंध्र प्रदेश से कट करके क्या बना है, तेलंगाना। इसी आंध्र प्रदेश से कट करके, जो इस समय अगर जम्मू एंड कश्मीर का 370 हटने की बात करें, बाद में बात करें, तो ये 28वां राज्य होगा। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष के जनगणना के बाद किया जाएगा, तो ये किया जाएगा 2026 में। देखिए होता क्या है कि जो हमारे लोकसभा में सीट है कितनी है, 550, तो क्या ये अधिक नहीं हो सकती हैं? ये क्या ये 560 नहीं हो सकती हैं, 600 नहीं हो सकती हैं, या 700 नहीं हो सकती हैं? तो ये कहा गया है संविधान में कि ये 2026 तक इनको टच नहीं किया जाएगा। जो 550 सीटें हैं 2026 तक इसको टच नहीं किया जाएगा। 2026 के बाद अब देखा जाएगा, जब परिसीमन होगा। परिसीमन का काम मतलब ये होता है कि फिर नए सिरे से देखा जाएगा कि जो इतना हमने एक लोकसभा क्षेत्र बनाया है और ये सब बड़े बड़े हो गए, ज़्यादा जनसंख्या हो गई, तो इनको बीच में से लेकर के एक नया क्षेत्र बनाया जा सकता है। तो इस तरह जब सीटें बढ़ेंगी तो इनके लिए यहाँ पे संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। तो ये होगा 2026 में। अगला है कि संसद का कोई भी सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिन तक सदस्य में अनुपस्थित रह सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनको उनके सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। संसद मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात हो रही है। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति है और 60 दिनों तक अब्सेंट रहता है, तो 60 दिनों में अब्सेंट रहने के लिए इनको जो स्पीकर हैं लोकसभा में और जो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति हैं, उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति लेकर ही आप 60 दिनों से ज़्यादा गायब रह सकते हैं। अगर बिना अनुमति के आप गायब रहते हैं तो आपका जो सदस्यता है उसे रद्द कर दिया जाएगा। ये पावर है आपके स्पीकर को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा इस समय लोकसभा के स्पीकर कौन है। आप ये वीडियो जब भी देख रहे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा उसी समय का। अगला है कि क्या संघ शासित क्षेत्र में भी राज्यसभा अपना प्रतिनिधित्व भेजते हैं, तो हाँ। देखिए राज्यसभा, इसको हम राज्यों की सभा कहते हैं, इसमें कुल मिला के 250 लोग हैं, और इस 250 लोगों में जो संघ क्षेत्र है मतलब जो यूनियन टेरेटरी है वहाँ पर के भी लोग जाते हैं। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो ये होता है राष्ट्रपति, क्योंकि कोई भी बिल बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के एक कानून नहीं बन सकती। अगला है कि प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है, तो ये होता है होम मिनिस्ट्री के। अब आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री के बाद अगर कोई मंत्रालय ज़्यादा पावरफुल है या फिर कोई मंत्री ज़्यादा पावरफुल है तो गृह मंत्री ही होता है। अगला है कि संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। बात हो रही है उस समय की जब संविधान बना था, तो ये है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। इस समय का आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि ये बढ़ते रहते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के तहत संविधान के संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसको है, तो संविधान में अगर संशोधन करना है तो केवल और केवल संसद कर सकती है, किसी भी राज्य की विधानसभा नहीं कर सकती। तो भारतीय संसद का मतलब कि लोकसभा या राज्यसभा, किसी में भी इसका पहल किया जा सकता है। अगला है कि कौन सा अधिकार अब आपातकाल में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता, तो यह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता या फिर जीवन की स्वतंत्रता। हमें देखिए कुल मिला के 6 मौलिक अधिकार मिले हैं, हालांकि पहले 7 थे, जिसमें से एक अधिकार को माइनस कर दिया गया 1976 में, और इसमें यह था संपत्ति का अधिकार। कई बार पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया। इसके अलावा जब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया तो मौलिक अधिकार बचे हमारे 6, तो 6 में से कुछ अधिकार ऐसे हैं जो कि सस्पेंड हो जाते हैं। सस्पेंड मतलब कि कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देते हैं। कब? जब देश में आपातकाल लगाया जाता है, जैसे कि इंदिरा गांधी के सरकार में लगाया गया था। लेकिन जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा का अधिकार वाला ये अधिकार है, ये कभी भी समाप्त नहीं होता है। अगला है कि संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष के कम वायु वाले बालकों से कारखानों, खानों या फिर अन्य जोखिम भरे कामों में नियुक्त नहीं किया जा सकता, तो यह है 14 साल। कहा गया है कि 18 साल से कम लोगों से आप काम नहीं ले सकते, लेकिन अगर ऑफिस ऑफिस में काम लेना है तो आप 14 साल से अधिक के बच्चों से काम ले सकते हैं। लेकिन जो जोखिम वाले काम हैं, जैसे कि खान, कारखाना या फिर और भी जो भी फैक्ट्रियां हैं, उसमें 14 साल के कम उम्र के बच्चों को आप काम में नहीं लेंगे, ये कहा गया है आर्टिकल 24 में, और कई बार ये आर्टिकल 24 परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला है कि गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा मिला, तो ये है 1987 में। गोवा की कहानी दिलचस्प है।
भारत जब आज़ाद हो जाता है 1950 में पूरी तरह, तब भी गोवा भारत का हिस्सा नहीं था, गोवा भारत का हिस्सा बना 1961 में। ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भले ये भारत का हिस्सा बन गया, लेकिन इसको राज्य का दर्जा मिला 1987 में। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, गोवा की कैपिटल कहाँ है, कमेंट करके बताइए। गोवा की कैपिटल मतलब कि राजधानी कहाँ है, कमेंट करके बताइए। अगला है कि नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं महापौर। जो शहर होता है वहाँ पे नगर निगम होता है, और ग्रामों में ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत होता है। तो जो नगर निगम का हेड होता है उसको हम कहते हैं महापौर। अगला है कि प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी, तो ये थे 14 राजनीतिक दल थे। देखिए राजनीतिक दल दो तरह के अगर आप देखेंगे तो होंगे, एक राष्ट्रीय होगा, एक स्टेट लेवल पे होते हैं। और सबके लिए एक फार्मूला है कि आपको इतना सीट जीतना पड़ेगा तभी आपको राष्ट्रीय दल का मतलब कि पावर मिलता है। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है, तो यह एक संघीय राज्य है। मतलब कि संघीय राज्य कहने का क्या मतलब है, तो राज्यों का समूह, राज्यों का समूह। अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। देखिए यहाँ पे जब भारत आज़ाद होता है 1947 में, बात 1947 की हो रही है, तो उस समय हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद नहीं था। उस समय जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, अंतिम अंग्रेजों के गवर्नर थे, उनको भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, लॉर्ड माउंटबेटन को। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन तो विदेशी थे, यहाँ पे पूछा गया है भारतीय, तो लॉर्ड माउंटबेटन के बाद चक्रवर्ती राजगोपालचारी को बनाया गया। इनको हम राजा जी भी कहते हैं, राजा जी भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि आज़ाद भारत के या फिर स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो केवल अगर भारतीय आपसे नहीं पूछता है तो आपको लॉर्ड माउंटबेटन उत्तर ट्रिक करना है, अगर भारतीय पूछ लेता है तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी ट्रिक करना है। एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि भारत आज़ाद होने के बाद भी ये वाला भारतीय गवर्नर जनरल का पद था, लेकिन आखिर इस समय क्यों नहीं है? तो जब भारत का संविधान लागू हुआ 1985 में, तो इस पद को ख़त्म कर दिया गया। अगला है कि यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है, तो उसे निश्चित ही उसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जो कि पहले कानून मंत्री थे और संविधान निर्माता भी इनको कहा जाता है। यहाँ पे देखिए होता क्या है कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो होता है, उसमें ये कहा गया है कि जो भी राज्य की सरकार होगी अपने लोगों के लिए अच्छे कानून बनाएगी। अच्छे कानून का मतलब कि लोगों के फायदे के लिए। तो इस तरह का अगर जो भीमराव अंबेडकर कहे थे कि अगर ये अच्छे कानून नहीं बनाएगी, लोगों के फायदे के लिए काम नहीं करेगी, तो जब चुनाव आएगा तो उसे अपने मतदाताओं के सामने जाना पड़ेगा और मतदाता उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। तो इसीलिए जो राज्य सरकारें होंगी उम्मीद है कि वो अच्छा काम करेंगी, और होता भी यही है। आगे बढ़ते हैं, तो भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें कि विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्गत हो, किससे परामर्श ले सकता है? तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनको किसी भी कानूनी मसले पर परामर्श लेने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय से। और ये किस आर्टिकल के तहत है, तो 143, आप इसे याद रख सकते हैं किसी भी तरह से। तो 143 है ये सर्वोच्च न्यायालय से, जैसे कि किस कोई भी मामला है और अगर वो राष्ट्रपति के पास गया है, मान लीजिए किसी की फांसी की सजा, किसी को फांसी हुई है और उसको सजा में कन्वर्ट करना है आजीवन कारावास में, तो ये पावर राष्ट्रपति को है। तो इस तरह के मामलों में या फिर किसी भी कानूनी मामलों में वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श तो ले सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसे माने। ये पूरी तरह प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड है। हालांकि ये अलग बात है कि प्रेसिडेंट के फैसले को भी रिव्यू किया जा सकता है, लेकिन ये पूरी तरह प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो उसे माने या फिर ना माने। अगला है कि सबसे पहले किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ये है भारत का 1919 शासन अधिनियम, इसको कहते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसके अलावा एक 1909 में आया था, उसको भी याद रखिए, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। तो ये दोनों रिफॉर्म आपको याद रखना है, 1909 मार्ले मिंटो, 1919 मतलब कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। दोनों कई बार क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। पूछ लिया जाएगा कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया था, ऑप्शन दे दिया गया 1909,
1909 ऑप्शन मिल गया, 1915 ऑप्शन मिल गया, 1919 ऑप्शन में मिल गया, और इनमें से कोई नहीं, तो 1909 सही उत्तर होगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई बता सकते हैं? 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, और इसी दिन अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर को यानी कि 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जो कि बाद में चल करके हमारे प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको बनाया गया। तो ये याद रखिए, ये अस्थाई थे, और जो पहले बनाए गए थे ये अस्थाई थे, ये केवल 2 दिनों तक के लिए रहे। तो आशा है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक करिए। अगला है कि मताधिकार के लिए आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? तो ये था 61वां संविधान संशोधन। ये भी पूछा जाता है कई बार, कब की गई पता है आपको? तो कमेंट करके बताइए। 1989 में, 1989 में कई चीजें हुए हैं चुनाव को लेकर के। 1989 में एक चीज ये भी बदला गया कि जो चुनाव आयोग था वो 3 सदस्यीय बना दिया गया, एक हेड होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होंगे, उनके नीचे काम करेंगे दोनों लोग। तो ये काम किया गया 1989 में ही, और यहीं पे जो 61वां संविधान संशोधन लाया गया, तो उस समय 21 वर्ष के लोगों को मत देने का अधिकार था, लेकिन उसको कर दिया गया 18 साल। अगला है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो यह संसद के किसी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया है बता सकते हैं? तो अमेरिका से, अमेरिका से हमने महाभियोग की प्रक्रिया लिया है, और ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज होते हैं उन पे इसको लगाया जाता है। महाभियोग लगाने का कारण राष्ट्रपति पर केवल एक ही हो सकता है कि संविधान का अतिक्रमण, संविधान को ना मानना। अगर राष्ट्रपति ऐसा करते हैं तो उन पे महाभियोग लाया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पे जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है, इससे 14 दिन पहले उनको नोटिस देना होता है। 14 दिन पहले इनको नोटिस मिलेगी, और उसके बाद से ये प्रक्रिया लोकसभा या फिर राज्यसभा में शुरू की जाएगी। अगर इसे लोकसभा में शुरू करना है तो कम से कम 100 मेंबर के सिग्नेचर होने जरूरी हैं। अगर आप राज्यसभा में शुरू करना चाहते हैं तो कम से कम 50 मेंबर के सिग्नेचर होना जरूरी है। इसके बाद इसकी जांच होगी, अगर ये जांच में पाए जाते हैं तो इनको लोकसभा और राज्यसभा में एक स्पेशल बहुमत के द्वारा इनको इस बिल को पास कराया जाएगा। अगर ये बिल यहाँ दोनों जगह से पास हो जाती है तो इनको पदमुक्त मान लिया जाता है, मतलब कि हटा हुआ मान लिया जाता है। अगला है कि संविधान के वर्तमान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो ये है 444 और 12 अनुसूचियां, जबकि बना था तो कितने थे? 395 और 8। तो ये बढ़ता रहता है अनुच्छेद, अनुसूचियां तो उतनी जल्दी नहीं बढ़ाई जाती हैं। अगला है कि संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 368 में बताया गया है कि संविधान का संशोधन हम कैसे करेंगे। इसी तरह अनुच्छेद 352 क्या है? चलिए 52 छोड़िए क्योंकि 52 उतना नहीं पूछे, 356 क्या है बता सकते हैं? तो ये राष्ट्रपति शासन जो कि राज्यों पे लगता है ये है। तो चलिए, आपके लिए क्वेश्चन होगा आर्टिकल 360 क्या है, कमेंट करके बताइए। ये एक आपातकाल है, आपको बताना है कि किस तरह का आपातकाल है आर्टिकल 360। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? तो ये है 123 अध्यादेश। देखिए अध्यादेश क्या होता है, तो इसका ये जरूरत होती है आपको जानना है थोड़ा। यहाँ पे देखिए होता क्या है कि किसी भी कानून को बनाने के लिए हमको लोकसभा में बिल लाना पड़ेगा, फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होगा और वो कानून बन जाएगा। लेकिन ये जो मीटिंग होती है ये साल भर में केवल 2 बार होती है, एक एक महीने के लिए लगभग लगभग। तो अगर ये मीटिंग उस समय नहीं हो रही है या फिर अभी अभी ख़त्म हुई है, तो अब अगले 4-5 महीने के बाद होगी। तो जब अगले 4-5 महीनों के बाद होगी और किसी मुद्दे पे कानून बनाना बहुत ज़रूरी है, तो उस पीरियड में केवल राष्ट्रपति के द्वारा एक आदेश जारी किया जाएगा, जिसको हम कहेंगे अध्यादेश। इस आदेश, यह आदेश एक कानून होगा। इस समय लोकसभा और राज्यसभा का कोई ज़रूरत नहीं है। कब तक ज़रूरत नहीं है? जब तक कि अगली बैठक नहीं होती है लोकसभा और राज्यसभा की। जब वहाँ पे अगली बैठक होगी तो वहाँ पे उसके 6 सप्ताह बाद, सब पूछता है आपसे, 6 सप्ताह बाद अगर इस कानून को इसमें पास नहीं कराया गया तो ये कानून जो प्रेसिडेंट पास किए थे ये उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। अगला है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किया था कहाँ पे?
तो ये नागौर जिले में किया गया था, राजस्थान में, जिसकी कैपिटल है जयपुर। जयपुर मतलब कि इसको क्या कहते हैं, पिंक सिटी। अगला है कि अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी। तो ये था 1936 में, क्योंकि 1935 में जो कानून लाया गया अंग्रेजों के द्वारा, इंडियन एक्ट 1935 में, कहा गया था कि चुनाव तो होंगे लेकिन जो संविधान बनाने की प्रक्रिया होगी इसमें भी हम हस्तक्षेप करेंगे और जो बड़ा पद होगा वहाँ पर हम ही रहेंगे। तो इसके लिए जो अखिल भारतीय कांग्रेस थी इसने 1936 में एक प्रस्ताव पारित किया कि नहीं, जो भी संविधान बनाया जाएगा वो केवल और केवल भारत के लोगों द्वारा ही बनाया जाएगा। अगला है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो यह है लोकसभा के अध्यक्ष। अब देखिए धन विधेयक क्या होता है, तो कोई भी ऐसा विधेयक जिसमें धन की बात की गई है, मनी की बात की गई है, हालांकि कभी कभी इसकी अवहेलना भी की जाती है। जैसे होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो मान लीजिए एक सरकार है और लोकसभा में इसको बहुमत प्राप्त है, इसमें सरकार को 280 के करीब सीटें मिल गई हैं, लेकिन राज्यसभा में इस सरकार को केवल 50 सीटें मिली हैं, तो किसी भी बिल को यहाँ तो सरकार पास करा देगी लेकिन यहाँ पे बिल जाके वो अटक जाएगी, अगर बिल में अगर विपक्ष इसका विरोध करता है तो यहाँ पे अटके ना, इसलिए किसी भी पैसे वाली बात होगी तो उसको धन विधेयक कह दिया जाएगा। जब धन विधेयक कह दिया जाएगा तो धन विधेयक में राज्यसभा का पावर खत्म हो जाता है, राज्यसभा केवल उसमें सुझाव दे सकती है। तो अगर वो लोकसभा में पास हो गया तो राज्यसभा में ऑटोमेटिक पास मान लिया जाता है 14 दिनों के बाद, इसमें राज्यसभा केवल इसमें सुझाव दे सकती है, तो इसीलिए उसको धन विधेयक का नाम दिया जाता है और ये कहने का अधिकार है केवल और केवल लोकसभा के अध्यक्ष को। अगला है कि संविधान के प्रस्तावना में जो संशोधन करके शब्द जोड़े गए क्या थे? तो ये थे पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये जोड़े गए थे संविधान के प्रस्तावना में। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान के प्रस्तावना में कितना बार संशोधन हो चुका है? तो अभी तक केवल एक बार, केवल एक बार। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो यह है आर्टिकल 32। इसमें मतलब कि यह है कि अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं, तो इसको कहते हैं संविधान की आत्मा। बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यह है 243। इसी तरह पूछ ले कि कहाँ पे विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश, 403+1। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन होगा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें सबसे अधिक हैं, कितनी हैं ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं कितनी हैं ये आपको कमेंट करके बताना होगा। और आप किसी भी स्टेट से हैं, आपसे उत्तर प्रदेश का ही पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें हैं। अगला है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया गया है? तो ये है केंद्रीय कैबिनेट, जो योजना आयोग था इसको अब 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का नाम दे दिया गया, नीति आयोग। अगर आपसे पूछ ले कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष तो ये होते हैं हमेशा और हमेशा प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। अगला है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? तो ये है राजीव गांधी का कानून कार्यकाल, ये हुआ था 1985 में, 1985 में इसे पास कराया गया था। और इसमें ये है कि अगर आप किसी भी पार्टी से जीत के आते हैं तो आप किसी और पार्टी में नहीं जा सकते हैं। जैसे कि हम कई बार आपको उदाहरण से समझाते हैं कि 100 सीटें हैं, मान लीजिए दो पार्टी हैं, इसने 45 जीता है और इसने 55 जीता है, और सरकार बनाने के लिए चाहिए केवल 51 100 में से। तो यहाँ पे जो ये पार्टी है इसमें से 15 लोग निकल के इसमें आ जाते हैं, तो इनका अब 60 हो जाएगा और इनका अब 40 हो जाएगा, यानी कि पहले ये पार्टी सरकार बना रही थी अब ये पार्टी सरकार बनाएगी। तो पैसे के दम पे ऐसा खूब होता था, तो इसे रोकने के लिए 1985 में एक दल बदल कानून लाया गया जिसमें कहा गया कि किसी भी लोगों को, जैसे कि यहाँ पे 55 है तो इसमें से अगर इसमें जाना चाहते हैं तो कम से कम 1/3 लोगों को एक साथ जाना होगा, मतलब कि आप देख सकते हैं करीब करीब 18, कम से कम 18 से 19 लोग जाते हैं तब तो ठीक है, अगर 15 लोग यहाँ से जाएंगे जैसे कि पहले चले गए थे 15 लोग, तो ये 15 लोगों की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पे 45 रहेगा और यहाँ पे अब 40 हो जाएगा, तो तभी इनकी सरकार बन सकती है।
तो इस तरह आप देखेंगे कि ये लाया गया था 1985 में, और हमने आपको समझाने के लिए उदाहरण दे दिया। तो राजीव गांधी के कार्यकाल में ये लाया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से अलग करने की बात की गई है? तो ये अनुच्छेद 50। जैसे कि न्यायपालिका अलग काम करती है, कार्यपालिका अलग काम करती है। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी फातिमा बीबी। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो ये है 6। हालांकि शुरू में 7 थे, जिनको एक कम कर दिया गया संपत्ति के अधिकार को। और ये हमने लिया कहाँ से है, क्या आप बता सकते हैं? अमेरिका से। अगला है कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा है तो न्यायालय में कितने प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है? तो ये है 5 प्रकारों के। ये आर्टिकल 32 में ये आपको मिलते हैं। इसमें कई तरह के 5 तरह के रिट हैं जो कि आपके मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। ये केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ही जारी किए जा सकते हैं। अगला है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह है 16। इसमें कहा गया है कि मतलब कि जाति रंग भेद के आधार पे आप उनके साथ भेदभाव नहीं करेंगे, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। अगला है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। मतलब कि अगर राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी विवाद होता है, तो इसे सुनने का अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को है। अन्य हाई कोर्ट या फिर कोई भी सेशन कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं कर सकता। अगला है कि देसी नरेशों के पृथ्वी फर्शों और विशेषाधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो यह था 26वां संविधान संशोधन, जो कि उस समय के राजा हुआ करते थे उनके विशेषाधिकार को 26वें संविधान संशोधन के द्वारा खत्म कर दिया गया। भारतीय संविधान कितने भागों में बटा हुआ है? तो यह है 22 भागों में। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसे लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए। इसके और भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है।